इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए finovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, तो आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। मंडे यानी 7 तारीख को हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है। यह आईपीओ 7 सितंबर, 8 और 9 सितंबर इन 3 दिनों के लिए खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 165 रुपीज टू 166 रुपीज है। अगर आपको प्राइस बैंड क्या होता है और आईपीओ से रिलेटेड टर्म्स के बारे में पता नहीं है तो आप ये वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने आईपीओ के सारे बेसिक्स कवर किए हैं। 14 सितंबर को इस आईपीओ के शेयर्स की अलॉटमेंट हो जाएगी और 17 सितंबर को इस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। हैप्पीएस्ट माइंड्स के इस इशू की साइज 702 करोड़ है। इस इशू में मेनली दो सेगमेंट्स है, आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और ओएफएस दैट इज ऑफर फॉर सेल। इस 702 करोड़ के इशू में 110 करोड़ का आईपीओ है और 592 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में कंपनी नए शेयर्स इशू करती है और उन शेयर्स को बेचकर जो भी पैसा मिलता है वो सीधा कंपनी के पास जाता है जिसे कंपनी अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकती है। लेकिन ऑफर फॉर सेल से जो भी पैसा मिलता है वो कंपनी को नहीं जाता है। ऑफर फॉर सेल में कंपनी के प्रमोटर्स या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचते हैं और उसके बदले में जो भी पैसा मिलता है वो उन प्रमोटर्स को या शेयर होल्डर्स को मिलता है जो अपने शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए पब्लिक को बेच रहे हैं। यहाँ हैप्पीएस्ट माइंड्स के 702 करोड़ के इशू में 110 करोड़ का आईपीओ है, यानी 110 करोड़ रुपए सीधे कंपनी के पास जाएंगे और बाकी 592 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के हैं जो कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे जो अपने शेयर्स इस ऑफर फॉर सेल में बेच रहे हैं। यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर मिस्टर अशोक सूता अपने 84,14,223 शेयर्स इस ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच रहे हैं और कंपनी के एक बड़े शेयर होल्डर जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट अपने 2,72,49,362 शेयर्स इस ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच रहे हैं। यानी जेपी मॉर्गन अपना पूरा 19.3% स्टेक इस ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच रहे हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स का ये इशू आईपीओ कम और ऑफर फॉर सेल ज्यादा है। अब बात करते हैं ब्राइटेस्ट माइंड्स के बिजनेस के बारे में। ब्राइटेस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज एक B2B कंपनी है। उन कंपनीज को B2B कंपनीज कहा जाता है जो डायरेक्टली बिजनेसेस को सर्व करती है। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के क्लाइंट्स इंडिविजुअल्स नहीं है, वो बिजनेसेस है, इसलिए उसे B2B कंपनी कहते हैं। अगर किसी कंपनी का एंड कंज्यूमर इंडिविजुअल है तो उस कंपनी को B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर कंपनी कहते हैं। अब बात करते हैं ब्राइटेस्ट माइंड्स के बिजनेसेस और सर्विसेज के बारे में जो वो डिफरेंट बिजनेसेस को प्रोवाइड करती है। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज मेनली 3 सर्विसेस ऑफर करती है, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। अब इन तीनों सेगमेंट्स में भी कंपनी कई सारी अलग अलग सर्विसेज ऑफर करती है। चलो रेवेन्यू वाइज देखते हैं कि कहां से कंपनी का कितना रेवेन्यू आ रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनी का 43.7% रेवेन्यू आ रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से 23.6%, सिक्योरिटी सॉल्यूशन से 7.6%, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स से 12.1% और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से 9.3%। यानी कंपनी का 97% बिजनेस डिजिटल बिजनेस है। कंपनी के टोटल 2600 एम्प्लॉइज है और जून 2020 तक कंपनी के 157 एक्टिव कस्टमर्स थे और कंपनी का 48% रेवेन्यू यानी लगभग आधा रेवेन्यू कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से आता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। हैप्पीएस्ट माइंड्स एक डेट फ्री कंपनी है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी के ऊपर 14 करोड़ का कर्ज था, फाइनेंशियल ईयर 2019 में वो कम होकर 8.5 करोड़ हुआ और फिलहाल वो जीरो है। कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 2 साल में काफी अच्छा बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 489 करोड़ था जो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक बढ़कर 714 करोड़ हुआ है, यानी 2 साल में 46% से बढ़ा है। वही अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी को 22.4 करोड़ का लॉस हुआ था और फिर फाइनेंशियल ईयर 2019 से कंपनी प्रॉफिटेबल हुई। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी को 14.2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी को 71 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी अप्रैल 2020 टू जून 2020 इस क्वार्टर में कंपनी को 50.1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी के इस प्रॉफिट में 17 करोड़ रुपए डिफर्ड टैक्स का क्रेडिट था, अगर हम उसे हटाते हैं तो कंपनी को 33 करोड़ का प्रॉफिट होता। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कोरोना वायरस पैंडेमिक होने के बावजूद भी कंपनी की ग्रोथ लगातार जारी है। कंपनी का ज्यादातर यानी 77.5% बिजनेस यूएस से आता है, यानी उनके ज्यादातर क्लाइंट्स यूएस से हैं। उनके 11.9% क्लाइंट्स इंडिया से हैं, 7.2% यूके से और 3.4% बाकी जगह से है। इंडिया में जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो यूएस के कंपैरेटिवली कम है और इस फैक्टर से इंडिया की सारी कंपनीज को फायदा मिलता है।
अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स के बाद हम बात करेंगे कंपनी के कंपटीशन के बारे में और वैल्यूएशन के बारे में। तो पहला रिस्क फैक्टर है कंपटीशन का। फिलहाल हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का 97% रेवेन्यू डिजिटल बिजनेस से आता है, जबकि इंडिया के जो बाकी अदर आईटी कंपनीज हैं जैसे कि माइंडट्री, इंफोसिस एटसेट्रा, इनका अराउंड सिर्फ 30% रेवेन्यू डिजिटल बिजनेस से आता है। लेकिन अगर धीरे धीरे बाकी कंपनीज भी डिजिटल बिजनेस पर फोकस करती है तो उस कंपटीशन से हैप्पीएस्ट माइंड्स का मार्केट शेयर जरूर कम हो जाएगा। कंपनी का अगला रिस्क फैक्टर है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स पर ज्यादा डिपेंडेंसी। हमने देखा कि कंपनी का 48% रेवेन्यू कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से आता है, तो इन टॉप 10 कंपनीज में से कुछ कंपनीज का रेवेन्यू अगर कंपनी खो देती है तो उसका कंपनी के रेवेन्यू लाइन पर आपको काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव फैक्टर्स की। अगर फाइनेंशियल्स को देखा जाए तो पिछले 2 साल में कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी रही है, लेकिन सिर्फ 2 साल के बेसिस पर आप कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवेल्युएट नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी के आगे की परफॉर्मेंस पर आपको ध्यान देना होगा और उनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस को आपको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके साथ एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि कंपनी के जो प्रोमोटर है मिस्टर अशोक सूता, उन्होंने इससे पहले कुछ और पार्टनर्स के साथ माइंडट्री शुरू की थी और माइंडट्री का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 20,000 करोड़ के करीब है। माइंडट्री को सक्सेसफुली चलाने के बाद उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी शुरू की, तो उन्हें मार्केट में काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। माइंडट्री को सक्सेसफुली चलाने की वजह से मार्केट में उनका नाम भी है और इसीलिए हैप्पीएस्ट माइंड्स को अच्छे कस्टमर्स लगातार मिलते चले गए, जिसे हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज की ब्रांड बिल्डिंग होने में भी काफी मदद हुई। हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बिजनेस में कंटिन्यूस इवोल्यूशन होते रहते हैं, जिसमें ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि कंपनी मार्केट की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करे और कंटिन्यूसली इनोवेट करती रहे। तो जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आते रहे और अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती रही, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स, ड्रोन्स एटसेट्रा, तो कंपनी ने वहां पर एंट्री करके तुरंत उस अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी काफी फ्लेक्सिबल है, जो सामने जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हमेशा टैप करने की कोशिश करती है। तो रिसेंटली कंपनी ने ड्रोन्स और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना भी शुरू किया है। कंपनी का 50% से ज्यादा स्टेक मिस्टर अशोक सूता एंड फैमिली के पास है। मिस्टर अशोक सूता कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से चला भी रहे हैं। बट एक चीज यहाँ पर यह भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि मिस्टर अशोक सूता की एज फिलहाल 77 है, तो ये देखना भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मिस्टर अशोक सूता कब तक कंपनी को एक्चुअली मैनेज करेंगे और उनके बाद कंपनी के मैनेजमेंट में अहम भूमिका कौन निभाएगा। जब भी आईपीओ खरीदने की बात आती है तो यहाँ पर 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, और आईपीओ में शेयर्स के अलॉटमेंट होने के बाद जैसे ही वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है तब उसे बेच देते हैं, और दूसरे वो जो आईपीओ में किसी शेयर्स को खरीदते हैं और फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी के बारे में। तो कंपनी के अच्छे फाइनेंशियल्स और अच्छे मैनेजमेंट के चलते काफी पॉजिटिव बस चल रहा है, जिसके चलते आपको आईपीओ के पहले दिन और दूसरे दिन आईपीओ को कैसे रिस्पॉन्स मिलता है इसके बेसिस पर तीसरे दिन अपने डिसीजन लेनी चाहिए। और जहां तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है तो कंपनी का वैल्यूएशन इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, और जैसे कि हमने आपसे कहा कि कंपनी को प्रॉफिटेबल होकर सिर्फ 2 ही साल हुए हैं और इतने जल्दी हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को इवेल्युएट नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक करना होगा। तो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। आज टीचर्स डे है, तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके फीडबैक्स, पर्टिकुलरली आपके नेगेटिव फीडबैक से हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। आपके किसी भी टीचर के साथ आपकी कुछ मेमोरीज है तो उन्हें आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके हमें टैग कर सकते हो, और साथ ही उनसे आपको क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली है ये भी आपको मेंशन करना है। और फिर हम टॉप 30 विनर्स निकालेंगे और उन सभी को हम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे इन्वेस्टमेंट की बाइबल कहा जाता है, वो बुक गिफ्ट करेंगे। साथ ही हमारे कोर्सेज के कूपन कोड्स भी प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ ही आपको हैशटैग यूज करना है मेमोरीज विद टीचर और हमारे ट्विटर हैंडल फिनोवेशंस HQ को उसमें टैग करना है। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।